बिजनेस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय विनर इंस्टीट्यूट। नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डाल देखने सर आज की सुर्खियों पर। एपीआई ने रोकी बिकवाली, 378.2 करोड़ का किया निवेश। गेल लिमिटेड समेत कई सरकारी कंपनियों पर लगा जुर्माना, स्वतंत्र निदेशकों की जरूरी संख्या नहीं होने के कारण लगाया गया जुर्माना। बीएसई ने अपने एसएमई मन से मुख्य बोर्ड में स्थानांतरित होने को इच्छुक छोटे एवं मध्यम उद्यमों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत आवेदक के पास पिछले 2 वित्त वर्षों में कम से कम 15 करोड़ रुपए की शुद्ध संपत्ति होनी चाहिए। दिशा निर्देशों के तहत आवेदक कंपनी को कम से कम 3 वर्षों के लिए एसएमई मंच पर सूचीबद्ध होना आवश्यक है। इसके अलावा मुख्य बोर्ड में स्थानांतरित होने से पहले उनके पास 250 सार्वजनिक शेयर धारक होने चाहिए। एसएमई का परिचालन लाभ कम से कम 3 वित्त वर्षों में से किसी 2 में सकारात्मक होना चाहिए। साथ ही एक्सचेंज में स्थानांतरण आवेदन करने वाले मौजूदा वित्त वर्ष में शुद्ध मुनाफे में बढ़ोतरी दर्ज की हो। टाइटन कंपनी अगले 5 साल में 3,000 कर्मचारियों की हायरिंग करेगी। कंपनी ने हाल ही में यह घोषणा की है। इसमें डिजिटल, ई कॉमर्स, सेल्स, डिजाइन और इंजीनियरिंग सेक्टर में मिड व सीनियर लेवल के रोल्स की हायरिंग बढ़ेगी। वहीं इंजीनियरिंग रोल्स की संख्या 50% तक बढ़ेगी। कंपनी ऐसे प्रोफेशनल की तलाश में है जो डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग की समझ रखते हों। फ्रेशर्स के लिए कैंपस हायरिंग भी की जाएगी। यह बता दें कि टाइटन अपनी वर्कफोर्स में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की हायरिंग करेगी। बीते हफ्ते 5 IPO में निवेशकों ने 2.59 लाख करोड़ रुपए की बोली लगाई। टाटा टेक के शेयरों के लिए 69 गुना से भी ज्यादा बोलियां ओवर सब्सक्राइब लगाई गई है। मतलब सब्सक्राइबर को ये शेयर मिलने की संभावना कम है क्योंकि हर लॉट के 69 दावेदार हैं। लेकिन यदि ये IPO ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ होता तो सभी आवेदकों को कम से कम 1 लॉट मिलता। चूंकि ये IPO ओवर सब्सक्राइब हुआ है लिहाजा शेयर अलॉटमेंट लकी ड्रॉ के जरिए होगा। ऐसे IPO में शेयर मिलने की संभावना बढ़ाने के लिए एक साथ कई अकाउंट से अप्लाई करें और प्राइस बैंड की अपर लिमिट पर बोली लगाएं। इंडियन ऑयल और गेल लिमिटेड समेत तेल एवं गैस सेक्टर की कई सरकारी कंपनियों पर लगातार दूसरी तिमाही जुर्माना लगा है। इन कंपनियों के बोर्ड में नियमों के मुताबिक स्वतंत्र निदेशकों की जरूरी संख्या नहीं है, यही कारण है कि उन पर जुर्माना लगाया गया है। BSE और NSE ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड, गेल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पर 5.42 से 5.42 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इन कंपनियों ने शेयर बाजार को अलग अलग दी जानकारी में इस जुर्माने के बारे में बताया है। हालांकि इन कंपनियों ने साथ ही दावा किया कि निदेशकों की नियुक्ति सरकार के अधीन है और इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। इन सभी कंपनियों पर एक बराबर 5,42,800 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों FPI ने नवंबर में भारतीय शेयरों में 378 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया। इसका मुख्य कारण अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल में गिरावट है। आंकड़ों के अनुसार FPI ने अक्टूबर में 24,548 करोड़ रुपए और सितंबर में 14,767 करोड़ रुपए मूल्य की भारतीय इक्विटी की बिकवाली की थी। इससे पहले FPI मार्च से अगस्त तक पिछले 6 महीनों में लगातार भारतीय शेयर खरीद रहे थे। इस अवधि में 1.74 लाख करोड़ रुपए की खरीद हुई है। कुल मिलाकर 2023 के लिए संचयी रुझान अच्छा बना हुआ है। इस वित्त वर्ष में अभी तक FPI ने 96,340 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यस सिक्योरिटीज इंडिया में इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज रिसर्च के रणनीतिकार हितेश जैन ने कहा कि हमारा मानना है कि आने वाले समय में EM उभरते बाजारों में जोखिम उठाने की क्षमता में सुधार तथा अमेरिका में जोखिम मुक्त प्रतिफल में गिरावट से FPI भारत की ओर आकर्षित होंगे। आंकड़ों के मुताबिक FPI ने इस महीने 24 नवंबर तक भारतीय शेयरों में 378.2 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया। विदेशी निवेशक इस महीने 4 दिन लिवाल रहे और 2,625 करोड़ रुपए की बड़ी खरीदारी की। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। FPI ने रोकी बिकवाली, 378.2 करोड़ का किया निवेश।
गेल लिमिटेड समेत कई सरकारी कंपनियों पर लगा जुर्माना। स्वतंत्र निदेशकों की जरूरी संख्या नहीं होने के कारण लगाया गया जुर्माना। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए NBC News। नमस्कार।